डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुहब बांझू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुनते ही अपने दिमाग में साइन थीटा, कोस थीटा ये सब आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा की। थीटा मतलब एंगल की हम बात करेंगे कि जो एंगल होता है वो क्या होता है। तो समझते हैं सबसे पहले एंगल को। हेडिंग है अपनी फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लो एक सर्किल है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसका सेंटर है ओ। तो मान लो कोई पार्टिकल यहां से चला और यहां पर पहुंच जाएगा, तो उसने जो एंगल सस्टेन किया ये हो जाएगा थीटा। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं तो उसको समझते हैं। तो इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ओ, ए, और ये पॉइंट है बी। तो इसको तो हम बोलते हैं आर्क। ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे आर्क। ये है इस सर्किल की रेडियस और ये है एंगल थीटा। तो एंगल को हम डिफाइन करते हैं, तो एंगल जो है ये आर्क और रेडियस जो होता है उसका रेशियो होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला बन जाएगा एंगल के लिए, आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट की अगर हम बात करें तो एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियन। जब भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस समय यूनिट हम लिखा करेंगे रेडियन। क्लियर है? उसके बाद ये तो है इसकी ऐसा यूनिट। उसके बाद इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगल दैट इज डिग्री। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं 30 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल या 180 डिग्री का एंगल। क्लियर है कि नहीं? और एंगल की यूनिट रेडियन में भी होती है। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे कि भाई इन दोनों यूनिट जो है रेडियन और डिग्री, इनमें क्या रिलेशन होता है तो उसको हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन डिग्री रेडियन। ध्यान से समझिएगा, देखो अगर ये पूरे एंगल की बात करें कि पार्टिकल यहां से घूमकर और वापस यहां पे पहुंच जाए, तो ये जो एंगल होता है अपना पूरा जो एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है डिग्री में अगर हम बात करें। लेकिन एंगल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एंगल इक्वल्स टू रेडियन सॉरी आर्क अपॉन रेडियस, उस हिसाब से अगर हम देखें तो देखो आर्क कितनी है इस केस में, यहां से यहां पर घूम के आ जाएगा, ये सर्कमफेरेंस हो जाएगी इस सर्किल की दैट इज 2 पाई आर, और रेडियस है आर। तो देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो इस केस में जो एंगल आता है या आता है 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये रिलेशन बन गया 360 डिग्री इक्वल्स टू होता है 2 पाई रेडियन। यहां से आप ये भी कह सकते हो 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है डिग्री और रेडियन में, 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो देखो यहां से 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ये भी अपने को रिजल्ट याद होना चाहिए, 1 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 180 रेडियन।
उसके अलावा देखो, तो जब भी अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिग्री की जगह हम पुट कर सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन, क्लियर है। सिमिलरली देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, क्लियर है। जब भी अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि भाई आप कैलकुलेट करो या कन्वर्ट करो, तो पीछे अपना देखो, कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन, 30 डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, 30 डिग्री, तो डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 180, इसको हम लिख देंगे 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 ये 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6 रेडियन, क्लियर है। ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे सपोज दैट आपसे पूछा है कि कन्वर्ट 60 डिग्री या 45 डिग्री टू रेडियन, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिग्री की जगह आपको पुट कर देना है पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, फिर हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ध्यान रखना 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 रेडियन। ऐसे आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कन्वर्ट 90 डिग्री या 60 डिग्री, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो देखो यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 90 कर देंगे, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में, तो फॉर्मूला अपना ये लगेगा, रेडियन की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री, जो करते हैं कन्वर्ट। ये लो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन है कन्वर्ट पाई बाई 6 रेडियन टू डिग्री, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो पाई बाई 6 रेडियन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेडियन है इसकी जगह पुट कर देंगे 180 अपॉन पाई डिग्री, तो जाएगा पाई बाई 6 इनटू रेडियन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर है। तो पाई बाई 6 रेडियन का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन टू डिग्री, तो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हैं सर बिल्कुल, बिकॉज रेडियन की जगह अपने को 180 अपॉन पाई डिग्री पुट करना है। देखो पाई बाई 3 रेडियन है, तो ये जाएगा पाई बाई 3 इनटू रेडियन की जगह पुट कर देंगे 180 अपॉन पाई डिग्री, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री को रेडियन में या फिर रेडियन को डिग्री में। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको अपने को याद रखने हैं, जैसे इनको हमेशा याद रखना क्योंकि बार बार काम में आएंगे, तो हर बार अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे, हालांकि हमने सीख लिया है कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो 0 डिग्री इधर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्लियर
रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री का मतलब 0 ही रेडियन हो जाएगा, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6 रेडियन, 45 का मतलब होता है पाई बाई 4 रेडियन, 60 का हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन और 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर है? ऐसे ही 180 को भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई रेडियन। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो अपने को हमेशा याद होने चाहिए। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 4 रेडियन और 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन और 180 डिग्री को लिख सकते हैं पाई रेडियन। क्लियर है? तो ये सब अपने को कन्वर्ट करना आना चाहिए। थैंक यू।